है एवरीवान ओ डब्ल्यू एस सीखते सीखते आज हम लोग पहुंच गए हैं वीडियो नंबर टेन पर एज ऑलवेज आज भी हम ट्वेंटी मोस्ट रिपीटेड ओ डब्ल्यू एस को डिस्कस करने जा रहे हैं सो so, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए अगर आप ईजिली ओ डब्ल्यू एस को लर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाई इलेवेंस मतलब कि फालतू के बकवास करके मेन इशू से मेन मुद्दे से कंसनट्रेशन हटा देना सो so, इसको वन वर्ड में कहा जाता है अवेसिव अवेसिव एंड इसको हिंदी में कहते हैं टाल मटोल करने वाला लाइक शी गिव्स अवेसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन हिस्स अवेसिव आंसर प्रॉमटेड मी टू आस्क एन अदर क्वेश्चन उसके अवेसिव आंसर ने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित कर दिया ओके सो अवेसिव मीन्स ट्रैक से हटा देना टाल मटोल कर देना सेकेंड क्वेश्चन अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक एल्कोहल जिसको एल्कोहल के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन हो जो इसको छोड़ ना पाता हो इसको कहा जाता है डिप्सोमानिया डिप्सोमानिया और इसको हिंदी में कहते हैं शराब की लत डिप्सोमानिया मीन्स शराब की लत दैट मैन कांट गेट आउट ऑफ हिज डिप्सोमानिया आई अभोर सच पर्सन हु हैज डिप्सोमानिया सो अभोर का मीनिंग होता है हेट हेट करना सो so, डिप्सोमानिया मीन्स शराब की लत थर्ड क्वेश्चन ऑल द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर जगह के सारेमल्स में, fauna. Fauna, और इसको में कहते है, प्रदेश विशेष या कालिशेष के पशु वर्ग टूरिज्म इज डेमेजिंग द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री सो फ्लोरा वनस्पति जात को कहा जाता है और फोना एनिमल्स को फोरेस्ट फोना आर सेफ गार्डेड बाई लोकल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज सो फोना मीन्स क्लियर टू यू पर्टिकुलर एरिया और टाइम के सारे एनिमल्स डिफ़िकल्ट टू प्लीज वॉन्टिंग एवरी थिंग टू बी परफेक्ट ऐसा इंसान जिसको प्लीज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता हो मतलब कि वो सब कुछ एकदम परफेक्ट देखना चाहता है एक इंच भी इधर उधर नहीं चाहता है तो उसको प्लीज करना तो डिफ़िकल्ट होगा ना तो इसको वन वर्ड में कहा जाता है फास्ट ड्योर्स फास्ट डिओस और इसको हिंदी में कहते हैं दुराराध्य मतलब कि जिसको प्रसन्न करना कठिन हो

दैट विच कैन बी इजिल अंडरस्टूड इजिली जिसको समझ लिया जा सके उसको वन वर्ड में कहते हैं इंटेलिजिबल इसको इंटेलिजेंट से रिलेट करके याद कर सकते हैं इंटेलिजेंट मतलब कि जो आसानी से समझ लेता है और इंटेलिजिबल मतलब कि जिस चीज को आसानी से समझ लिया जा सकता है ओके सो इंटेलिजिबल को हिंदी में कहेंगे बोध गम्य या स्पष्ट आर क्लास टीचर्स लेसन आर क्वाइट इंटेलिजिबल ही गिव अस एन इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन इंटेलिजिबल so, मीन्स क्या होता है स्पष्ट जिसको इजिली अंडरस्टैंड किया जा सके समझा जा सके नेक्स्ट इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ मतलब कि लॉ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला इसको कहते हैं यानी कि ज्यूरिस्ट हु ज्यूरिस्ट ऑफ रिक्नाइज मेरिट ओके सो ज्यूरिस्ट मीन्स जिसको लॉ के बारे में अच्छा खासा जानकारी हो नेक्स्ट वन हु बिलीव इन द फिलोसॉफी दैट नथिंग हैज रियल एग्जिस्टेंस ऐसा इंसान जो इस फिलोसॉफी पर विश्वास करता है कि किसी भी चीज का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इसको वन वर्ड में कहेंगे नाइलिस्ट नाइलिस्ट यानी कि नास्तिवादी इस वर्ड को आप अथेइट के साथ कन्फ्यूज मत कर दीजिएगा क्योंकि अथेस्ट वो होता है जो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है जबकि नाइलिस्ट वो होता है जो लाइफ की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता है ही हैज़ अ रेप्यूटेशन फॉर बींग अ साइनिकल नाइलिस्ट साइनिकल मतलब कुटिल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द फर्स्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स विल बी डेवलप्ड सारी चीज़ों का कोई रोल मॉडल होता है जिसको डुप्लीकेट कर कर करके उसके अदर फॉर्म्स बनाए जाते हैं तो जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप और इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श प्रतीक या नमूना दिस इज द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर स्कूल बिल्डिंग्स ही इज वॉकिंग ऑन द प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ गार्डन ओके सो प्रोटोटाइप मीन्स आदर्श प्रतीक नमूना नेक्स्ट अ पर्सन हु फ्लैटर अदर्स फॉर पर्सनल मोटिव्स अपने मोटिव्स निकालने के लिए दूसरों के पास चापलूसी करने वाला फ्लैटर करने वाला इसको कहते हैं सिकोफेंट सिकोफेंट इसको हिंदी में कहते हैं चापलूस द प्राइम मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय सिकोफेंट्स प्राइम मिनिस्टर सिकोफेंट से घिरा हुआ है माई सिस्टर इज अ सिकोफेंट हु विल फ्लैटर एन इन फॉर मनी सो सिकोफेंट मीन्स चापलूस फ्लैटर करने वाला टू गो थ्रू और इंटू समथिंग स्पेशली वैन इट इज डिफिकल्ट मतलब कि किसी चीज़ के अंदर घुसना या फिर उसको पार कर जाना स्पेशली जब वो डिफिकल्ट हो इसको कहा जाता है पेनीट्रेट पेनेट्रेट को हिंदी में कहते हैं घुसना या भेदना लाइक द सोल्जर्स विल पेनेट्रेट द बिल्डिंग एंड सेव द स्लेब्स सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे और स्लेब्स को सेव कर लेंगे बचा लेंगे द बुलेट फेल्ड टू पेनेट्रेट हिज चेस्ट बुलेट उसके चेस्ट को भेदने में असफल हो गया सो पेनेट्रेट मीन्स घुसना या भेदना पार कर जाना अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच और राइटिंग बोलने में या लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाना उसको कहते हैं सोलिसिज्म सोलिसिज्म को हिंदी में कहते हैं लिखने या बोलने में अशुद्ध प्रयोग अ क्लासमेट ऑफ माइंड कमिट्स अ लॉर्ड ऑफ सोलिसिज्म आई वॉज गिल्टी ऑफ सोलिसिज्म ऑन द क्वेश्चन पेपर मैं क्वेश्चन पेपर पर सोलिसिज्म मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक करने के लिए गिल्टी थी सो सोलिसिज्म मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब कि वर्शिपर्स का ग्रुप कह सकते हैं समुदाय कह सकते हैं इसको वन वर्ड में कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन कंग्रीगेशन इसको हिंदी में कहते हैं भक्तों का समुदाय शी इज a ऑफ अ स्मॉल small द The प्रोसेस्ड processed into द चर्च नेक्स्ट समथिंग दैट इज डिफरेंट from द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड कॉमन रूल से या स्टैंडर्ड से कुछ अलग होना उसको कहा जाता है एनोमली एनोमली को हिंदी में कहते हैं अनियमितता असंगति इट्स ऑफन एन अनप्लेजेंट टू सी एन एनोमली एनिमल मतलब कि मान लीजिए कोई एनिमल्स का झुंड है और उसमें एक दूसरे समुदाय का एनिमल आ जाए तो क्या होगा देखने में अनप्लेजेंट लगेगा देयर इज एन एनोमली इन योर ब्लड टेस्ट बट यू आर फिजिकली हेल्दी मतलब कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट में कुछ असंगति दिखाई दी है बट तुम फिजिकली हेल्दी हो सो so, एनोमली मीन्स असंगति अनियमितता नंबर फोर्टीन द एक्शन ऑफ फोर्जिंग अपी और इमिटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर का फोर्ज कर लेना मतलब कि गलत रूप से कॉपी कर लेना इसको कहा जाता है फोर्जरी फोर्जरी को हिंदी में कहते हैं जालसाजी रिशू स्पेंट फाइव ईयर्स इन प्रेजेंट फॉर फोर्जरी हिज पेंटिंग वॉज डिक्लेयर टू बी अ फोर्जरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड और एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट लिटराचर और म्यूजिक ए टी सी सो so, ऐसा इंसान जिसको आर्ट लिटरेचर या म्यूजिक ज़रा सा भी इंटरेस्ट ना हो उसको समझता नहीं है और इन्जॉय भी नहीं करता है इस इंसान को कहा जाएगा फिलिस्टाइन फिलस्टाइन को हिंदी में कहते हैं गवार अशिक्षित वेन इट कम्स टू आर्ट माई फ्रेंड इज़ प्योरली अ फिलिस्टाइन इट्स डिफिकल्ट फॉर अ फिलस्टाइन टू लर्न पेंटिंग सो फिलस्टाइन मीन्स गवार अशिक्षित जिसको आर्ट लिटरेचर यह सब नहीं आता हो सिक्सटीन समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन जिसको किया जा सके उसको कहेंगे फिजिबल फिजिबल यानी कि जो संभव है योर प्रपोजल क्वाइट साउंडबल इज इट फिजिबल टू कम्प्लीट द टास्क बाई टो क्या कल तक टास्क कम्प्लीट करना फिजिबल है संभव है सो फिजिबल मीन्स संभव दैट कैन बी डन सेवेंटीन अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स इनवैलिड्स के लिए एक ऐसा प्लेस जहां पर उनको एक अच्छा क्लाइमेट मिले उस जगह को वन वर्ड में कहते हैं सैनिटोरियम सेनेटोरियम को हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्यालय अ सेनेटोरियम वॉज ओपन एट द एज ऑफ द मार्केट मार्केट के एज में एक सैनिटोरियम खोला गया एंड ऑर्फन वॉज गिवन शेल्टर इन द सेनेटोरियम सो सैनिटोरियम मीन्स जहाँ पर इनवेलिड्स के लिए एक गुड क्लाइमेट हो क्वेश्चन नंबर एटीन दैट यू कांट सी थ्रू मतलब कि जिसके आर पार देखा ना जा सके इसको वन वर्ड में कहते हैं ओपैक ओपेक को हिंदी में कहते हैं अपारदर्शक आई कॉन्ट सी थ्रू द ग्लासेज बिकॉज इट्स ओपैक द वॉटर वॉज ओपैक ड्यू टू द मड सो ओपैक मीन्स अपारदर्शक जिसके आर पार देखा ना जा सके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एनिमल्स दैट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर लैंड पर और वाटर में दोनों जगह पर सर्वाइव करने वाले एनिमल इसको कहा जाता है एम्फीबियन एम्फी मतलब बोथ होता है और बियन मतलब लाइफ तो दोनों जगह पर जिसका लाइफ संभव हो इसको कहते हैं उभयचर फ्रॉग्स आर क्लासिफाइड एज एम्फीबियन वाइल्ड मेनी एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे एनिमल्स को स्विमिंग आता हो बट दे आर नॉट एम्फेबियन तो एम्फेबियन किसको कहा जाएगा जिसका दोनों जगहों में लाइफ संभव है मतलब कि वो पानी में भी जिंदा रह सकता है लैंड पर भी जिंदा रह सकता है सो एम्फेबियन मीन्स उभयचर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल वॉन्ट टू हार्म यू ऐसा मेंटल इलनेस जिसमें आप समझते हो कि दूसरे लोग केवल आपकी हानि चाहते हैं आपको हर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे मेंटल इलनेस को कहा जाता है पैरानोया पैरानोया को हिंदी में कहते हैं मानसिक उन्माद या पागलपन आई एडमिट दैट माई फ्य जस्ट अ पैरानोया स्लिप डिप्रिवेशन कॉजेस पैरानोया एंड अदर प्रॉब्लम्स नींद की कमी पागलपन और अदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है जन्म देती है यहाँ पर हमारे ट्वेंटी ओडब्ल्यू एस खत्म होते हैं तो अब क्या बारी है अब हमारा बारी है इसका क्विक रिविजन चेक करने का सो फर्स्ट वर्ड क्या था फर्स्ट वर्ड था एवैसिव जो फालतू की बातें करके असली इशू को साइड ट्रैक पर ले जाए मतलब कि टाल मटोल करने वाला डिप्सोमिया दैट मीन्स शराब की लत फोना मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया और टाइम के जितने सारे एनिमल्स होते हैं उसके ग्रुप को फोना कहा जाता है फास्ट ड्योर्स यानी कि जिसको प्रसन्न करना कठिन हो मतलब कि वो एक इंच भी इधर उधर नहीं देखना चाहता हो फास्ट ड्योस नेक्स्ट इज इंटेलिजिबल मतलब कि जिसको आसानी से समझा जा सकता है ईजी टू तो अंडरस्टैंड ज्यूरिस्ट यानी कि लॉ को भली भांति समझने वाला सेवेंथ इज नाइलिस्ट नाइलिस्ट मतलब कि जो लाइफ के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता है एट्थ इज प्रोटोटाइप मतलब कि जो रोल मॉडल होता है उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं नमूना प्रतीक सिकोफैंड मीन्स चापलूसी करने वाला पेनेट्रेट यानी कि भेदना घुसना सोलसिज्म मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक कॉन्ग्रीगेशन यानी कि वॉर्शिपर्स का समुदाय एनोमली यानी कि अनियमितता या असंगति फोरजरी मीन्स जालसाजी करना फिलिस्टाइन यानी कि गवार जो आर्ट्स लिटरेचर ये सब नहीं समझता हो फिजिबल मतलब कि जो संभव हो जिसको किया जा सके सेनेटोरियम यानी कि स्वास्थ्यालय जो इनवैलिड्स को एक प्रॉपर एटमोस्फेयर दे ओपैक मीन्स जिसके आर पार ना देखा जा सके एम्फीबियन मतलब उभयचर, लैंड और वाटर दोनों जगहों में सर्वाइव करने वाला यानी कि मानसिक उन्माद पागलपन सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू